वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं एंड डूइंग ग्रेट। सो पीपल हु आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज समू एंड आई एम अ कैबिन क्रू। आई मेक वीडियो रिलेटेड टू डेली व्लॉगिंग, स्किन केयर, ट्रैवल, कैबिन क्रू लाइफ। गाइज, आई हैव गॉट सो मेनी क्वेरीज दैट आई एम ओनली डूइंग स्किन केयर, फूड ब्लॉग्स, डेली व्लॉगिंग की वीडियो, एंड आई एम नॉट डूइंग वीडियो रिलेटेड टू कैबिन क्रू। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आज की वीडियो जो होने वाली है वो है कैबिन क्रू के रिलेटेड। सो आज की वीडियो है कि लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू नो वॉट कैबिन क्रू कैरी इन देयर स्ट्रोलर। आज मैं आप सबको ये दिखाने वाली हूँ कि कैबिन क्रू अपने बैग में क्या कैरी करता है, क्या क्या मैंडेट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, अब मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो कैबिन क्रू को ले जानी ही होती हैं। आज मैं आप सबको वो दिखाऊँगी, बेसिकली अनबॉक्सिंग करूँगी स्ट्रोलर की कैबिन क्रू के। प्लीज़ गाइज फॉरगिव मी, आई हैव नॉट ऑर्गेनाइज माई बैग एट ऑल, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं फ़्लाइट की, वी हैव नो क्लू कि ये फ़्लाइट कब होने वाली थी, हमें बहुत शॉर्ट पीरियड पे पुल आउट किया गया है, तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं। सो गाइज प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि बैग में कैसी क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, बट आई विल शो यू वट एवर इज़ देयर इन माई बैग। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, before showing you all what is inside crew bag, if you like this video please give it a thumbs up, subscribe to my channel if you have not yet, and comment me below kya aap chahte hain ki main kaisi videos banau ya aur aap kya dekhna chahte hain meri videos mein, please comment kijiye mujhe। and is video ke regarding bhi koi bhi comment ho, kuch bhi aap mujhse puchna chahe to you are most welcome, you guys can let me know। so let's start with the video। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रंट पॉकेट। गाइज मेरे कैमरे का एंगल, ओ माई गॉड दिस इज़ अ मेस। सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सैनिटाइजर, इसके बिना तो हम फ्लाइट्स पे नहीं जा सकते, नॉट इवन फ्लाइट्स, बाहर हम वैसे भी नहीं जा रहे हैं इसके बिना। देन लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। सो वी हैव माई आइडेंटिटी कार्ड एंड एयरपोर्ट परमिट, इसके बिना कैबिन क्रू कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। Then my passport, of course this is also one of the mandated things to carry, ये हमें ज़रूरी होता है carry करना। Then ये है एक छोटी सी notepad जिसमें मैं अपने thankful messages लिखती हूँ, या gratitude message, या फिर to-do list बनाती हूँ। Okay, then I have crunchies, rubber band, okay, my sun pods जो बहुत इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक सुनने के लिए। ओके लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, पिटारे में से क्या निकलता है। ओके कैमरा होल्डर फॉर शूटिंग व्लॉगिंग, आई मीन दिस इज़ अ फ़ोन होल्डर, नॉट इवन अ कैमरा होल्डर, ये ट्राईपॉड के ऊपर लगता है। देन डेंटल किट, देन शेविंग किट, डेंटल किट, क्रीम, जो सब कुछ अलग पाउच में होना चाहिए बट फिलहाल इसी में है। देन माई लवली बैच, मैं हमेशा एक्स्ट्रा बैच रखती हूँ, एक यूनिफॉर्म में होता है, इन एक एक्स्ट्रा बैच ज़रूर होना चाहिए अगर पहला मिसप्लेस हो गया तो, फॉर दैट। देन आई थिंक यू गाइस कैन सी, ओके ये है ईयरबड्स, देन पेन ऑफ कोर्स, अगर नोट पैड है तो पेन भी होना चाहिए, और कुछ तो बाकी इसमें ऐसा है नहीं। सो आई विल पुट एवरीथिंग बैक। गाइस मुझे कैमरे का एंगल नहीं मिल पाया बिकॉज आई एम शूटिंग विद एक्शन कैमरा, जो मैं कहीं पे भी स्टैंड पे नहीं रख सकती थी या उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पॉकेट। आई नो इसमें है मेरा competency card and QRH, quick reference book. So competency card is just like a license, when you drive you need the license, so when you fly you need a competency card. competency card bahut hi mandate document hai, aur waise hi QRH, quick reference book, isme jo bhi kuch hota hai book pe wo hume by heart hona chahiye, isme first aid related, safety related, dangerous goods related sab kuch मेंशन्ड है, कभी आप घूम जाए कुछ भी और आपको देखना हो तो आप इसमें से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द शील्ड, जो हमें पीपी की या पीपीई किट के ऊपर पहननी पड़ती है। सो फाइनली
छोटी वाली पॉकेट में देखते हैं क्या है। ओके, दीज आर हेल्थ फॉर्म जो हमें एयरपोर्ट में आने से पहले, जैसे ही हम एंटर करते हैं एयरपोर्ट, हमें ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं। एंड देन आई थिंक आई हैव वन मोर क्रीम, दैट्स इट, आई डोंट थिंक सो आई हैव मच इन दिस पॉकेट। सो लेट्स ओपन द बिगर वन, ये जो इनसाइड द बैग है, लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, जो जिप वाला है इस पोर्शन को मैं नहीं खोलूँगी, एज इन खोलूँगी बट सब कुछ नहीं दिखाऊँगी क्योंकि इसमें अंडरगारमेंट्स भी हैं। सो आई जस्ट शो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उसके अलावा बाकी लेट्स स्टार्ट विद दिस। देयर इज अ ट्राइपॉड एंड बाकी तो आप देखिए क्या क्या है। मेरी मेकअप किट्स है, एक में सिर्फ लिपस्टिक है, एक में मेकअप का सामान है। या देन आई हैव दिस, लेट मी जस्ट कीप इट हियर, आई हैव दिस सुइंग किट, सुई और धागा, कभी भी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कैरी करना भी एक्चुअली मैंडेट होता है, हमें कैरी करना ही पड़ता है। जैसे मेकअप इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। देन जो सबसे अच्छी तरीके से चीज़ रखी हुई, दैट इज़ माई एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई भी मिसहैप हो या कुछ भी इमरजेंसी में यूनिफॉर्म ख़राब हो जाए तो हम चेंज कर सकें। देन ये शूज़ गाइज, ये ऐसे नहीं रखे थे, मैंने अभी इसको निकाला है पॉलिथीन से, जस्ट टू शो यू गाइज। सो आई थिंक मास्क इज़ देयर, देन माई क्लोथ शर्ट यहाँ पे रखा हुआ है जो सब मेस में है बट रखा हुआ है। ओके, देन देयर इज स्ट्रेटनर, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि आपके बाल हमेशा अच्छे दिखने चाहिए। फिलहाल इन सब की ज़रूरत नहीं होती है इतनी क्योंकि हमें किट पहननी होती है, बट अदरवाइज जब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हो तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देन ये नाइट सूट है मेरा, एक पेयर ऑफ फॉर्मल्स है, एक कैजुअल है, शूज़ है, या देन एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा कपड़े ही कैरी करती हूँ ताकि यूज़ में आ सके। देन दिस इज हेयर सीरम, दिस इज माई बॉडी मिस्ट, परफ्यूम कुछ भी कह लीजिए, नो एक्चुअली परफ्यूम बॉडी मिस्ट दोनों डिफरेंट है। ओके गाइस, सो इस पोर्शन के साथ स्टार्ट करते हैं अब हम, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। ओके, माई हैंड क्रीम, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, जितना आप हाथ धोते हैं आपको फिर हाथों को मॉइस्चराइज भी करना पड़ता है। This is for my specs, चश्मे के लिए, and this is roll on, very important. ये है sunscreen, ये भी बहुत important. Okay, so next, ये है मेरे goggles swimming के लिए, मैं इनको हमेशा अपने साथ carry करती हूँ बट फिलहाल use नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि hotels में pool में जाना allowed नहीं है आजकल because of the coronavirus. Again, razor. और एमरजेंसी डेटा केबल, देन लेट्स सी, ओके दिस इज़ ऑट्रिविन, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जब भी आपका नोज़ ब्लॉक्ड होता है, आप फ्लाई कर रहे हो तो इसे ज़रूर कैरी करना चाहिए, ब्लॉक्ड नोज़ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। एंड देन ओह गॉड, ओके कोलगेट, ये सब हमें छोटे छोटे किट्स होटल से मिल जाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा अपने बैग में रखती हूँ ताकि कभी भी इमरजेंसी के टाइम वी कैन यूज़ इट। आई थिंक वी आर डन, अभी तो मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट माई अंडर गारमेंट्स, और कुछ इसमें बाकी नहीं है, सो दैट आई विल नॉट शो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें ये भी था एक ट्राईपॉड मेरा शूटिंग के लिए, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। तो ये कुछ ये सामान था इसके अंदर जैसा दिखता है, दैट्स इट। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट बिलो व्हाट यू वांट मी टू डू नेक्स्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।